गाइज, अगर आपको ऐसे औसम क्वालिटी के टेक वीडियोस को एंजॉय करना है तो आप हमारे चैनल एनवी प्ले गेम्स को चेकआउट करना ना भूलें। वहाँ पे हम ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स के रिव्यूज, अनबॉक्सिंग, एक्सप्लेनेशन एंड इवन फैक्ट्स भी बताते हैं। सो डू चेक इट आउट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। हे गाइस, मैं आप सभी का वेलकम करता हूं मांगा वीकली के एक और न्यू एपिसोड में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 37 जिसका नाम है शुरोन हाके। सो गाइस, अभी ना टाइम वेस्ट किए, लेट्स बिगिन। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं कवर पेज की। तो कवर पेज में एक अल्टरनेटिव स्टोरी को फीचर किया जा रहा है जो कि जर्मा 66 के ऊपर है, जिसमें हम सांजी की बहन रेजू, उसके पापा और उसके एक भाई को देख सकते हैं। और इनका कैसल थोड़ा टूटा फूटा हुआ है, तो आई गेस ये अभी बिग मॉम से बच के भाग रहे थे, इसी वजह से इनके कैसल पे डैमेज है। बात करें चैप्टर के टाइटल की, तो शुरोन हाके, ना आपको जैसा पता है जापानीज वर्ड अपनी रीडिंग की वजह से अलग अलग मीनिंग्स देते हैं। तो अगर हम इसे कांजी में रीड करेंगे तो इसका मीनिंग होगा ड्रंक ड्रैगन बगुआ। यहाँ पे बगुआ का मतलब होता है 8 ट्राइग्राम्स वाला साइन, जो कि आपने ह्यूगा फैमिली में देखा होगा। और अगर आप इसे चाइनीज में रीड करोगे, जो कि काफी सही मीनिंग बनाता है, तो इसका मतलब है फेम्ड फॉर बूस, जो कि इस चैप्टर में काफी हद तक हुआ है। इसका चाइनीज रीडिंग मुझे ज्यादा एक्यूरेट लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि काइडो एक चाइनीज ड्रैगन में ही ट्रांसफॉर्म होता है, तो आई गेस शायद इसीलिए ओडा सेंसेई ने ऐसा चाइनीज नाम सोचा होगा। नाउ टॉकिंग अबाउट द चैप्टर, तो ये चैप्टर सच में काफी सही था। आई डोंट नो व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन विद 2022, बट बहुत मजा आ रहा है आजकल, बिकॉज अटैक ऑन टाइटन तो ऑलरेडी ट्रेंड कर ही रहा है। इसके साथ हमें वन पीस के भी गजब के चैप्टर्स देखने को मिल रहे हैं। नो, ये चैप्टर लोगों को थोड़ा बहुत वियर्ड लगा होगा क्योंकि काइडो इसमें बहुत अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा था। लाइक व्हेन ही गॉट ड्रंक, वो काफी अजीब अजीब सी बातें भी कर रहा था, विच इज अंडरस्टैंडेबल। बट आप यहाँ पे एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू भी लेके चलो कि काइडो को लंबे समय तक कोई भी ऐसा आदमी नहीं मिला जो कि उसे इस लेवल तक चैलेंज कर पाए। मतलब काइडो दुनिया से इतना बोर हो गया था दैट ही वॉज गोइंग टू कमिट सुसाइड, बट फाइनली लूफी अपीयर होता है और उसने काइडो की ऐसी गांड फाड़ के रख दी कि काइडो इज हैप्पी अबाउट दैट। जस्ट थिंक, जब आपकी लाइफ बोरिंग होने लगे तभी आपको ऐसे चैलेंजेस मिल रहे हैं जिसमें आपको मजा आ रहा है, एंड दैट इज व्हाट काइडो इज फीलिंग राइट नाउ। तो अब मुझे थोड़ा समझ में आ रहा है कि काइडो क्यों पागलों की तरह से लड़ाई के बीच में दारू पी के बिल्कुल पागलों की तरह से हंस रहा है। He is enjoying it, just like we are. और आपको नहीं लगता इसकी वजह से फाइट और इंटरेस्टिंग हो रहा है? मतलब ये कोई इमोशनल वाला फाइट नहीं है जैसा कि हम नारुतो वगैरह में देखते थे, कैरेक्टर्स रोने लगते थे अपने पास्ट को लेके। यहाँ पे तो सच में एक यूनिक तरह से फाइट हो रही है जिसे हम बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे कोई इमोशनल सीन नहीं हो रहा, दिस इज ऑल अ पिंच ऑफ एडवेंचर जो कि हम इंजॉय कर रहे हैं। यहीं पे कुछ लोग कह रहे थे कि वन पीस इमोशनल है। चलो चलो, ये तो काइडो की बात थी, बट डोंट यू थिंक लूफी इज गेटिंग अमेजिंग टू? यार मतलब लूफी के मूव्स देखो, ही इज गोइंग वन ऑन वन विद काइडो। उसकी कॉन्करर साकी इतनी स्ट्रांग हो गई है कि वो हेड टू हेड भी एक फाइट दे पा रहा है काइडो को। द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर अलाइव से अटैक्स खा के भी वो उसे डैमेज दे पा रहा है। सच में लूफी काफी ग्रो किया है इस फाइट में, एंड स्पेशली उसकी कॉन्करर साकी, क्योंकि उसने जितने भी बड़े मूव्स किए इस पूरे मांगा में वो सारे एडवांस कॉन्करर हाकी से कोटेड थे। एंड अगर सिर्फ यही इनफ नहीं था तो लूफी काइडो को इतना पीट रहा है कि बस कुछ ही सेकंड में काइडो का नशा उतर जा रहा है। जस्ट थिंक, यहाँ पे किस लेवल की फाइट हो रही है और जब ये एनिमेट होगा तो हमें क्या चीज देखने को मिलने वाली है। आई गेस जो लोग वन पीस नहीं देखते हैं वो काफी रिग्रेट करने वाले हैं फ्यूचर में। बट इफ दैट वाजंट इनफ, हमें गोरो से भी दिखाए जाते हैं, और इस समय ये पांचों के पांचों काफी सारे रीजन से परेशान है, जिसमें से एक हमारा रेवरी भी था, पर उसके बारे में यहाँ पे कोई खास बात नहीं हुई। एंड मैंने जब ये पैनल देखा था तो मुझे लगा है मुझे रेवरी के बारे में शायद कुछ सुनने को मिले, बट कुछ भी यहाँ पे देखने को नहीं मिला। इंस्टेड वो इस समय वानो के मैटर से परेशान है क्योंकि वहाँ पे दो बड़े बड़े योंकोस एक साथ फाइट कर रहे हैं विद द वर्स्ट जनरेशन, और यहाँ पे ये इसी फाइट का फायदा उठा के किसी चीज को खत्म करने की बात कर रहे हैं, सम काइंड ऑफ न्यूसेंस। नाउ व्हाट इज दैट न्यूसेंस? तो यहाँ पे इस बात के काफी सारे मतलब हो सकते हैं, बट जहाँ तक मुझे लगता है वो एक स्पेसिफिक डेविल फ्रूट को अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं। एंड फिर उसके बाद हमें एक जुनिशा का भी बड़ा सा पैनल दिखा था, एंड ट्रस्ट मी आई वॉज रियली सरप्राइज्ड कि जुनिशा इस समय वानो की तरफ क्यों जा रहा है, क्योंकि वर्ल्ड गवर्नमेंट के सारे शिप्स वानो के आसपास लगे हुए थे ताकि वो पायरेट्स को एलिमिनेट कर पाए, एंड उनके बीचों बीच जुनिशा आ गया था। नाउ दिस वॉज रियली समथिंग जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे अपने वियर्ड ऑफ द वियर्ड ड्रीम्स में भी ऐसा कभी नहीं लगा था कि जुनिशा वानो की तरफ आएगा, बट वो वानो में आके करने क्या वाला है, दैट इज द इंटरेस्टिंग पॉइंट। खैर, इसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे बिकॉज इट इज डीपली रिलेटेड टू कोजुकी क्लैन। सो गाइस, अब एक ब्रीफ ओवरव्यू के बाद हम ब्रेक डाउन करते हैं मांगा को सीन बाय सीन में। तो अगर आपने अभी तक ये मांगा नहीं पढ़ी तो इसे जल्दी से पढ़ लो या फिर साइड में खोल लो, क्योंकि मैं आपको मांगा पैनल्स नहीं दिखा सकता। एंड मुझे याद है इसके लीक्स काफी पहले आ गए थे, बट मैंने लीक्स पे वीडियो नहीं बनाई। बेसिकली मैं लीक्स वगैरह ज्यादा देखता नहीं हूँ बिकॉज वो स्पॉइलर हो जाते हैं। मैं ओरिजिनली मांगा का ही वेट करता हूँ ताकि मुझे नॉन ऑफिशियल और ऑफिशियल दोनों मांगा मिल जाए और फिर मैं प्रॉपर अपनी वीडियो बना पाऊँ। सो अब स्टार्ट करते हैं। नाउ सीन नंबर वन, फ्लावर कैपिटल। तो जैसा कि आपको पता होगा इस समय लोग फ्लावर कैपिटल में अपना फेस्टिवल एंजॉय कर रहे हैं। आपको शायद ये बात पता होगी, पर ये सोच के काफी हैरानी होती है कि एक साल से भी ऊपर का टाइम बीत गया पर अभी तक सिर्फ एक रात का फ्लावर फेस्टिवल खत्म नहीं हुआ है।
बाप रे इतना टाइम बीत गया और हमें पता भी नहीं चला। तो यहाँ पे लोग खुश हैं और एकदम दिल खोल के पी रहे हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ एक ही ऐसा दिन मिलता है पूरे साल में जब वो उसे प्रॉपरली सेलिब्रेट कर पाए। और यहाँ पे भी लोग ओरोचि के बारे में कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि क्या पता ओरोचि ने अपने कुछ फॉलोअर्स को इस भीड़ में डाल दिया हो ताकि वो उसे डायरेक्टली रिपोर्ट कर पाए। खैर गाइस अब टेंशन मत लो, ओरोचि खत्म हो चुका है। और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि फ्लावर फेस्टिवल ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। लोग लैंटर्न्स पे अपनी विश लिख रहे हैं उसे हवा में उड़ाने के लिए। नाउ यहाँ पे दो विशेस पे काफी ज्यादा जूम करके पैनल्स बने हुए हैं जिसमें से एक विश है आई वांट टू सी माय मॉम अगेन और दूसरा है फूड फॉर द किड्स। तो अगर आपको इसमें कोई फोरशैडोइंग इवेंट दिख रहा है या कोई हिडन डिटेल दिख रही है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस चैप्टर। मुझे लगता है ओडा ने इसमें काफी कुछ छुपा के रखा है। नाउ सीन नंबर 2 ओनिगाशिमा। यहीं पे तो असली मैटर चल रहा है बिकॉज यहीं पे लूफी और काइडो की फाइट हो रही है। एंड जस्ट लुक एट काइडो, वो यहाँ पे डब्बा भर के दारू पी रहा है और लूफी उससे पूछ रहा है यार तुम फाइट के बीच में दारू क्यों पी रहे हो। एंड काइडो इज लाइक मुझे मजा आ रहा है, एक दो पैक तुम्हें भी चाहिए क्या। वैसे भी पूरा कैपिटल इस समय फायर फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहा है और आज हम भी एक बहुत बड़ी पार्टी करने वाले थे लेकिन तुमने यहाँ पर आगे सारे प्रिपरेशन की मार छोड़ दी। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज मैंने नोटिस की कि काइडो की हंसी चेंज हो चुकी है। इस समय वो रो 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 वाले स्टाइल में नहीं हंस रहा, यहाँ पे ही लाफिंग लाइक फू 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 फू। ये मैंने पहली बार देखा वन पीस में किसी की लाफिंग स्टाइल चेंज हुई हो, ऐसा कैसे हो सकता है। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड दिस क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली कोई और काइडो के जैसा ट्रांसफॉर्म होके तो नहीं है, दिस इज काइडो हिमसेल्फ। तो अचानक से इसकी हंसी चेंज कैसी हो गई, क्योंकि उसने ज्यादा पी ली है। वेल दैट डजंट मेक सेंस क्योंकि उसने वानों की स्टार्टिंग में भी काफी अच्छे से दारू पी ली थी लेकिन वहां पे भी उसकी हंसी वैसी ही थी। और लूफी उसकी हंसी सुन के कह रहा भाई तू भंड हो गया है और जब हारना तो इस बात का एक्सक्यूज मत देना कि तुम भंड हो गए थे। जिसपे काइडो उसको बोलता है अबे चूतिए, मेरे भंड होने का मतलब ये नहीं कि मैं कमजोर हूँ, मुझे ऑलरेडी अंदाजा लग चुका है कि तुम कितने पावरफुल हो लूफी। और यहाँ पे हम फिर से देख सकते हैं काइडो की हंसी थोड़ी सी चेंज हुई है। काइडो आगे फिर बोलता है कि मुझे याद भी नहीं है कि लास्ट टाइम मुझे इस तरह से किसने चैलेंज किया था किसी वन ऑन वन फाइट में। एंड बैकग्राउंड में हम देख सकते हैं कि लूफी अपना एलिफेंट गन वाला मूव काइडो की तरफ फेंक रहा है। बट काइडो इज लाइक सुन बे शुरोन हके लाफिंग ड्रंक वो रो 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 रैग्नारोकू। और भाई क्या मारा है उसने लूफी को, मतलब लूफी बिल्कुल जमीन में धस गया है, मतलब लिटरली वो कूद के इतना हचड़ के मारा है ना कि सच में इस पैनल में फीलिंग दिख रही है कि काइडो इज रियली एंजॉयिंग दिस फाइट। मतलब काइडो का इसमें जो स्टैंस है वो देख के लग रहा है कि ही इज रियली इनटू इट। इस अटैक में काइडो की खुशी दिख रही है सच में। एंड दिस इज वेरी लॉजिकल क्योंकि हम सभी को पता है कि ओडा सेंसे के जो स्पेशल पैनल्स होते हैं जिसपे वो ज्यादा फोकस करते हैं वो पैनल्स थोड़ा इमोशंस डिपिक्ट करते हैं। नाउ ऑब्वियसली लूफी को इस मूव की वजह से बहुत तेज से चोट लगती है और काइडो इधर अपने फुल ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है और वो बोलता है कि आई एम रियली एंजॉयिंग दिस लेकिन मेरा कैसल और आइलैंड आधा खत्म हो चुका है, कितना यूजलेस हूं मैं एक कैसल भी बचा नहीं सकता। फिर काइडो की बातें सुन के थोड़ा सा डिफरेंट फील हो रहा है बिकॉज यहाँ पे उसने एक लाइन बोली है आई कांट इवन प्रोटेक्ट वन लाउजी कैसल। पता नहीं क्यों बट मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद पास्ट में काइडो कुछ प्रोटेक्ट करना चाह रहा था लेकिन वो उसे बचा नहीं पाया। बिकॉज आई कांट इवन प्रोटेक्ट वाली लाइन से यही मेरा प्रेडिक्शन निकल पा रहा है। तो फिर ऐसा क्या हो सकता है जिसको काइडो प्रोटेक्ट करना चाह रहा था पास्ट में, मे बी हिज वाइफ या फिर उसका कोई पुराना साथी या फिर हो सकता है उसका अपना होमलैंड क्योंकि वो एक ओनी रेस से है और ओनी वाले लोग बहुत कम ही देखने को मिलते हैं वन पीस में। सो आई गेस इसका ये भी मतलब हो सकता है। एंड इस बात का प्रूफ और भी ज्यादा बढ़ जाता है जब हमें काइडो के फेस का एक डिटेल्ड पैनल दिखता है जहाँ पे काइडो एक्चुअली में दुखी है, उसका एक सैड ड्रंक फेस देखने को मिलता है। सो आई थिंक उसे कुछ ऐसा याद आ रहा पास्ट का जिसे वो बचा नहीं पाया था और फिर वो बोलता है कि हम इसे दोबारा रिबिल्ड कर सकते हैं। कितना समय लगेगा, शायद 5 साल और। काइडो यहाँ पे दुखी है और अगले पैनल्स में हमें दिखता है कि वो खुद से ये भी बोल रहा है कि मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया लेकिन शायद ये इनफ नहीं था। नाउ इतनी बातें सुनने के बाद मैं एक चीज तो कंफर्म कर सकता हूँ कि शायद कुछ तो था जिससे वो करंट सिचुएशन को रिलेट कर पा रहा है कि कैसे वो ओनिगाशिमा को नहीं प्रोटेक्ट कर पाया। काइडो इधर अपना दुख मना ही रहा है कि तब तक लूफी उठ गया है और वो बोल रहा है कि मुझे थोड़ा ध्यान से फाइट करना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले लूफी काइडो की तरफ अटैक करता, काइडो अपना ड्रैगन डेमोलिशन ट्विस्टर अटैक करता है जो कि अगर आपको याद हो तो यही मूव उसने जोरो की तरफ भी फेंका था जिसमें काइडो अपने बॉडी का यूज करके कंप्रेस्ड एयर स्लैशेस एनिमी की तरफ लॉन्च कर सकता है। बट यहाँ पे लूफी को मानना पड़ेगा कि लूफी ने अपनी आर्मामेंट हाकी से ही उसे ब्लॉक कर दिया और उस स्लैश को डिफ्लेक्ट करके दूसरी तरफ फेंक दिया जहाँ पे उस स्लैश ने एक पत्थर तक को काट डाला। नाउ यू नो व्हाट दिस मींस कि लूफी इतना कैपेबल है कि वो एक शॉट्समैन के अटैक को ब्लॉक कर सकता है। नाउ काइडो वापस अपने हाइब्रिड फॉर्म में आ जाता है और वो लूफी की तरफ चिल्ला के बोलता है लाउंडे भाग जाए यहाँ से, लेकिन लूफी मानने वाला नहीं है। तो काइडो अपना बैट उठाता है और बोलता है कि अगर तुम पीछे नहीं हटोगे तो तुम्हारे साथ यही होगा, जिस पे
लूफी अपने गियर सेकंड फॉर्म में आके बोलता है कि जाके होशियार बनने की कोशिश मत करो। इतना सुनते ही काइडो लूफी की तरफ दौड़ते हुए आता है और लेकिन लूफी जोर से जंप करता है और अपने एक पैर को लंबा सा स्ट्रेच करता है और एक पैर से काइडो के बैट पे खड़ा होके काइडो को जोर से किक करता है। लेकिन इससे काइडो को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, उल्टा काइडो उसका पैर अपनी पूंछ में फंसा लेता है। लेकिन यहाँ पे लूफी रुकने वाला नहीं है, लूफी काइडो को जोर से हेडबट देता है एंड काइडो और लूफी के बीच में एक और एडवांस कॉन्करर्स हॉकी वाला क्लैश होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उन दोनों के सिर आपस में टच नहीं कर रहे हैं। सच में ये बिलीव करना बहुत मुश्किल है कि ये बंदा अभी मार खा के उठा है और ये काइडो से लेवल पे फाइट कर रहा है। 30 चैप्टर पहले मैं ऐसा इमेजिन नहीं कर सकता था। एंड काइडो भी ये बात एडमिट कर रहा है कि लूफी की हॉकी हर सेकंड स्ट्रॉन्गर होती जा रही है। नाउ इतना स्ट्रॉन्ग अटैक झेलने की वजह से काइडो लूफी से बोलता है, भौंसड़ी के अभी तो जस्ट दारू चढ़ने ही लगी थी लेकिन तेरी वजह से सब कुछ उतर गया। एंड पैनल में हम देख सकते हैं कि अब हमें उसका एक एंग्री फेस भी देखने को मिल रहा है और यहाँ पे वो मुंह से लेजर फायर कर रहा है। इसके मूड तो सेकंड में चेंज हो रहे हैं यार। लगता है काइडो को पीरियड्स आ गए। Are you serious? This is torture. You're torturing me and everyone else watching. लेकिन लूफी पे अटैक करना इतना भी आसान नहीं है। लूफी उसके लेजर को डॉज कर लेता है और गमु गमु नो रॉक गैटलिंग और वो काइडो की तरफ दबा दब पंचेस छोड़ने लगता है और काइडो भी अपने मिटियोर शॉवर मूव का यूज करके उन सारे पंचेस का रिप्लाई देता रहता है। दोनों को एक दूसरे के हिट्स पड़ते रहते हैं पर दोनों रुकते नहीं है एंड लगातार एक दूसरे पे अटैक्स छोड़ते रहते हैं। वन पीस इज क्रेजी गुड दिस वीक। और इसी बीच अपने फाइनल मूव में लूफी अपने पैर को इन्फ्लेट करता है और उसे हार्डन करके जोर से काइडो के पेट पे लात मारता है जिसकी वजह से काइडो का फेस एसिडिटी वाला बन जाता है। सच में बहुत जोर से मारा है पेट पे भाई, मुंह देख के लग रहा है काइडो का कि बढ़िया से पड़ा है इस बार। और अगले दो छोटे से पैनल्स में हम देख सकते हैं कि हाँ दोनों की हालत खराब है। उसके बाद सीन नंबर 3 शिफ्ट होता है द होली लैंड ऑफ मरी जॉयस यानी कि रेड लाइन पे और यहाँ पे गोरो से ये बोल रहे हैं कि लग रहा है इस साल की रेवरी पे किसी ने जादू टोना कर दिया था लेकिन जो कुछ भी हुआ हमें अभी उसे साइड में रखना पड़ेगा। वानो इस समय ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू है और हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये लड़ाई इतनी दूर तक बढ़ेगी। निको रॉबिन अब तक पकड़ी गई होगी, अब हमें भी अपना अटैक शुरू करना चाहिए। और गोरो से आगे ये बोलते हैं जो कि एक काफी कंफ्यूजिंग सेंटेंस है कि ये चीज अजीब नहीं होगी अगर कोई अनएक्सपेक्टेडली मर जाए स्पेशली एक ऐसी लड़ाई में जहाँ पे काइडो और बिग मॉम इन्वॉल्व। यही हमारा चांस है कि हम उस न्यूसेंस को खत्म कर दें। नाउ ये लाइन अपने दिमाग में थोड़ा नोट करके रखना, अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मरीन के सारे शिप्स जो कि इस समय समुद्र में स्टैंड बाई पे हैं और वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा शैडो उन्हें देखने को मिलता है और थोड़ी देर बाद ही उन्हें पता चलता है कि उनकी तरफ एक आईलैंड आ रहा है। इसके बाद हमें वापस से गोरो से देखने को मिलते हैं जहाँ पे वो सभी बोल रहे हैं कि ये इम्पॉसिबल है, वो फ्रूट अब कुछ भी नहीं बल्कि बस एक लेजेंड रह गया है, उसे अवेकन हुए सेंचुरीज हो चुके हैं। आखिर ये चीज कैसे समझाई जाए कि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने एक स्पेसिफिक डेविल फ्रूट को एक यूनिक नेम दिया है। सभी लोग मिलके उस फ्रूट का असली नाम छुपा रहे थे और उसे हिस्ट्री के पन्नों से मिटा दिया गया है। और यहीं पे हम देखते हैं बड़े से जुनिशा एलिफेंट को जो कि वानों की तरफ बढ़ रहा है और इसी के साथ ये मांगा खत्म। वैसे मांगा खत्म बट मेरी वीडियो नहीं, अब आता है इंटरेस्टिंग पार्ट। सबसे पहले तो हम बात करते हैं गोरोसे के सबसे पहली लाइन को जहाँ पे उन्होंने कहा है कि यही उनका चांस है कि एक स्पेसिफिक आदमी को खत्म कर दिया जाए इस फाइट के बीच में। सो यहाँ पे एक बात तो कंफर्म है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट इसलिए इन्वॉल्व्ड है क्योंकि उन्हें किसी को तो निपटाना है। अब ये कौन हो सकता है ये चीज कंफर्म नहीं है। अभी प्रेजेंट सारे इंपॉर्टेंट फिगर्स में से ये प्रोबेबली कोई ना कोई वर्स्ट जनरेशन का हो सकता है जिसमें से मुझे लॉ भी लग रहा है क्योंकि लॉ का डेविल फ्रूट काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है समवन यानी कि वो किसी इंसान को खत्म करना चाहते हैं ना कि जुनिश को जो कि काफी लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे। हो सकता है ये इंसान लूफी भी हो सकता है क्योंकि लूफी के पास भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेविल फ्रूट है द गम गम फ्रूट, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी है। एंड फिर उसके बाद जो उनका सेकंड लाइन है यहाँ पे वो एक स्पेसिफिक डेविल फ्रूट की बात कर रहे हैं जिसे एक यूनिक नाम दिया गया है और उसे हिस्ट्री के पन्नों में से मिटा दिया गया है यानी कि यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ बात हो रही है। अब क्योंकि जब गोरोसे ने ये बात बोली थी तब वहाँ पे जुनिशा भी दिख रहा था तो इसीलिए हो सकता है यहाँ पे जुनिशा की बात हो रही हो कि शायद कोई एंशियंट जोआन डेविल फ्रूट था जिसमें से जुनिशा वाला फॉर्म एक अवेकेंड जोआन टाइप हो सकता है जिसमें उस फ्रूट का यूजर एक बड़े से एलिफेंट में ट्रांसफॉर्म हो गया है। और यहाँ पे जुनिशा इस समय वानो की तरफ इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हो सकता हो मोमोनोसुके ने सबकॉन्शियसली उसे बुला लिया हो ताकि वो ओनिगाशिमा को फ्लावर कैपिटल की तरफ गिरने से रोके। दैट इज अ पॉसिबिलिटी। यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जुनिशा एक जायंट एलिफेंट ना हो, हो सकता है वो जायंट एलिफेंट इसलिए बना क्योंकि उसने डेविल फ्रूट खा लिया हो, तो हो सकता है आइलैंड को डेविल फ्रूट खिला दिया गया हो ताकि वो एक जायंट एलिफेंट में ट्रांसफॉर्म हो जाए क्योंकि वन पीस में टेक्निकली नॉन लिविंग थिंग्स को भी डेविल फ्रूट खिलाया जा सकता है जैसा कि हमने फंक फ्रीड वाले
एपिसोड के साथ देखा था, या फिर इसका जस्ट उल्टा भी हो सकता है कि एक एलिफेंट को आइलैंड फूड खिला दिया गया हो, जिसकी वजह से वो एलिफेंट अपने अवेकन फॉर्म में एक बहुत बड़ा सा आइलैंड बन गया हो। और ये चीज थोड़ा बहुत सेंस बनाती भी है, क्योंकि हमें याद है कि जुनिशा किसी के कमांड का वेट कर रहा था जब मोमोनोसुके ने बैक इन 2 आर्क उसे कमांड दिया था। और क्योंकि जो आइलैंड पे हमने देखा था कि वहाँ पे कोजुकी फैमिली का क्रेस्ट बना हुआ है, तो हो सकता है बहुत पहले के टाइम पे जुनिशा कोजुकी फैमिली का एक वफादार एलिफेंट हो और बाद में वो आइलैंड में ट्रांसफॉर्म हो गया हो, इसकी भी एक पॉसिबिलिटी है। या फिर ये भी हो सकता है कि जुनिशा एक बहुत बड़ा सा जायंट हो जिसे एलिफेंट डेविल फूड खिला दिया गया हो, और ये अब वापस से अपने ह्यूमनॉइड फॉर्म में आएगा ताकि वो ओनिगाशिमा को गिरने से रोक ले। और हो सकता है वर्ल्ड गवर्नमेंट इसी को निपटाने की भी बात कर रहे हो। एंड ऑब्वियसली इमू के पास एक बहुत बड़ा सा जायंट स्ट्रॉ हैड भी पड़ा हुआ है, एंड हमारा नेक्स्ट जो मेजर आर्क होने वाला है वो एल्बाफ है, तो ये चीज भी सेंस बना रही है। यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी ये भी है कि शायद दूफी का डेविल फ्रूट अवेकन होने वाला हो, क्योंकि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने बोला है कि वो फ्रूट काफी टाइम से अवेकन भी नहीं हुआ है, तो ये भी हो सकता है कि शायद लूफी का डेविल फ्रूट अवेकन हो जाए जिसकी वजह से वो पूरे आइलैंड को एक रबर में कन्वर्ट कर दे, विच इज अ वेरी वियर्ड थ्योरी दैट आई फाउंड ऑन रेडिट। वैसे जुनिशा ईटिंग अ डेविल फ्रूट एक बहुत ही प्लॉट होल वाली थ्योरी है, क्योंकि जुनिशा पानी में चलता है और कोई भी डेविल फ्रूट यूजर पानी में सर्वाइव नहीं कर सकता। सॉरी फॉर किलिंग योर मूड। वैसे क्या है वो हमें अब काफी टाइम बाद ही पता चलेगा, क्योंकि अगला चैप्टर ब्रेक पे है और इस बार ओडा सेंसेई ने ब्रेक नहीं लिया है, इस बार शोनेन जंप ब्रेक पे है बिकॉज जनवरी के महीने पे वो यूजुअली ब्रेक पे चले जाते हैं, तो हमें शायद 28 तारीख तक वेट करना पड़ेगा। और इसी के साथ एंड ऑफ रिव्यू ऑफ चैप्टर 37 शुरू ऑन हॉकी। सो गाइस, ये थी मेरी वीडियो ऑन रिव्यू ऑफ चैप्टर 37 शुरू ऑन हॉकी। आई होप आप सभी को मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, नहीं पसंद आए तो भी लाइक कर देना। कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है जुनिशा यहाँ पे क्यों आ रहा है। शेयर करिए इस वीडियो को उन लोग के साथ जो कि वन पीस के फैंस हैं, और जो नहीं है उन्हें भी शेयर कर देना, और डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप ऐसे और गजब के वन पीस कंटेंट को एंजॉय कर पाए। सो गाइस, अगर आपको हमारी ये वाली वीडियो पसंद आई थी तो हमारी और भी कई सारी वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के राइट साइड में एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस, टिल द नेक्स्ट वीडियो, play on.